आज जो आपने ये प्रेस वार्ता बोला, ये क्या विषय है, क्या मुद्दा है? आज तो आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और पहले 35 वार्ड थे, 35 वार्ड के 45 बनाए और 45 वार्डों में इतना एक वार्ड के अंदर 2100 वोट है तो दूसरे वार्ड में 2910 ही वोट रखे, इतना वेरिएशन सरकार के परिपत्रों के अनुसार 10% या 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके राजनीति करके कांग्रेस ने इस प्रकार के वार्ड बनाए। अब एक वार्ड 1500 का वार्ड है और उसके पास वाला जो 1500 का है तो उसको दो भाग कर दिए, उसके तो कर दिए 750 और उसके 1500 के 1500 रखे। 310 के अंदर जो उन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने 2011 की जनसंख्या, और भाई 2011 की जनसंख्या में 45 नंबर वार्ड ही नहीं था, वह तो 35 नंबर वार्ड था जिसके 2100 की जनसंख्या पल्ला बैठे थे वोटर्स। अब 310 वोटर किए गए हैं और उसके पास में सारे प्लॉट खाली पड़े हैं, मकान जो है प्लॉट खाली है और गांवों से जो है नाम फर्जीवाड़ा करने के लिए अमान है उसके नाम लिखाने के लिए। इसलिए 310 अगर है तो 310 में से फिर कह रहे हैं कि जब अयो से बात की वो कह रहा 600 हो जाएंगे। अरे 600 कैसे हो जाएंगे जब आपने खुद ही बार 300 की लिस्ट दी है डीएमबी को, और डीएमबी के लिए हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष नगर अध्यक्ष उन्होंने 102 जो है आपत्तियाँ पेश की, लेकिन ना तो उसका जवाब दिया गया ना उनको नोटिस दिया गया और एकतरफा जो कार्रवाई करके एक तानाशाही के जरिए इस प्रकार से कि भाई हम चुनाव कैसे जीते उसके लिए ये कांग्रेस सरकार काम कर रही है जो न्याय दृष्टि से उचित नहीं है। न्याय की दृष्टि से तो यही है कि कोई भी वार्ड में चाहे कोई भी हो उसके अंदर वेरिएशन है 10 और ज़्यादा 15% हो सकता है, जो इन्होंने नहीं किया। और ये बहुत जानबूझ करके विधायक के वार्ड जहाँ रहता है उसको 310 का बनाया गया। कोई आदमी 150 वोट ले, एक आदमी तो 2100 वोट लेने के लिए जा रहा है और एक 310 के लिए करेगा, तो ये काम न्याय काम हुआ। इसके अलावा भी अब जो आज ये 23 तारीख है और जिसमें नाम लिखवा रहे हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, लोगों के नाम मतलब है जोड़ रहे हैं विदाउट एनी मतलब एनी के कहना चाहिए और डॉक्यूमेंट लोगों के नाम हटा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही मतलब एनी भयंकर जो है स्थिति है और जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये चुनाव क्या भी है मखौल बना रखा है इन्होंने और मनमानी तरीके से ये काम कर रहे हैं। हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वो कतई नहीं रही। सर, ये जो अनियमितता बढ़ती जा रही है वार्डों के परिसीमन में या उसको लेकर संगठन की तरफ से अगर आज 23 तारीख है जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन की तरफ से बीजेपी संगठन की तरफ से क्या अगला कदम क्या होगा? नहीं तो हमारे संगठन की तरफ से तो ऐतराज हमने पेश कर दिया था 102 जो है, लेकिन उन्होंने जो है इसको नज़रअंदाजन कर दिया, ना तो उनको जवाब ही दिया कि भाई आपकी सुनवाई 23 तारीख को होगी ऐसा होगा। हमें तो ये लॉटरी खुली तभी ये पता लगा कि हर वार्ड में ये वार्ड में इतनी जनसंख्या आ रही है, आप मतलब पहले वोटर्स ने अनियमितता का पता लगा। इसके लिए हम उच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं और हमने SDO को भी लिख के दिया है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो
पारदर्शिता हो और इसमें न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले को न्याय करना पड़ेगा। दूसरे वार्ड में इसके अलावा गली साथ में जी वो हटा के और ये 331 वोट नया वार्ड नंबर 12 ये तो नया वार्ड 13 होगा उसके अंदर जोड़ दिए और वो 2100 का वार्ड बढ़ा दिया तो क्या आवश्यकता हुई 2100 वार्ड दे दी थी। एसपी को लेटर ले दिया, एसपी ने संबंधित थाने को दे दिया तो मौके पर जो थानेदार थे या तहसीलदार थे उन्हीं का जो है ज़्यादा दायित्व बनता है कि जनता को मतलब है जागृति लाते कि इस प्रकार से ये जो रेस हो रही है कंपनी की इसके अंदर रास्तों में चलना मतलब नहीं ताकि लोगों की कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हो। इसलिए ऊपर से आदेश होने के बाद में ये तो जो है ये सरकार है जिसको चाहे जब एपीओ कर दे ये तो मनमानी का तरीका चल रहा है।